नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीवाली और आप देख रहे हैं कि रक्षाबंधन के दिन महान गज केसरी राजयोग बन रहा है। इसका असर किन राशियों पर कितना अच्छा रहेगा। दूसरी बात, जब बहनें राखी बांधे तो किन बातों का विशेष ख्याल रखें ताकि जीवन भर भाई और बहन का रिश्ता यूं ही प्रगाढ़ बना रहे। प्रिय साथियों, राखी का पर्व 22 तारीख को है और ऐसे में हर बहन बहुत ही ज्यादा उत्साहित है अपने भाइयों को राखी बांधने और नए नए तोहफे पाने के लिए भी। पर क्या आप जानते हैं कि राखी बांधते वक्त आप ऐसी कुछ गलतियां कर बैठते हैं जो आपके भाई के जीवन में परेशानी को आमंत्रित करती है। और आज मैं आपको उन्हीं गलतियों के बारे में बताऊंगा। साथ ही इस रक्षाबंधन पर एक खास योग बन रहा है जिसका कुछ राशियों पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा और वो है महान गज केसरी योग। जब ग्रहों की युति होने से कोई योग बनता है तो उनका कुछ निश्चित राशियों पर बेहद शुभ प्रभाव पड़ता है। तो चलिए जानते हैं रक्षाबंधन में ऐसी कौन सी राशियां हैं जिनमें गज केसरी योग का शुभ प्रभाव बनेगा। इस रक्षाबंधन पर चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे और देवगुरु बृहस्पति पहले से ही कुंभ राशि में विराजमान है। ऐसे में इन दोनों की युति गज केसरी योग बना रही है। यह योग बहुत शुभ माना जाता है। गज का मतलब है हाथी, केसरी का मतलब मुकुट भी होता है, कुछ लोग सोना भी कहते हैं। पहले राजा महाराजा हाथी घोड़े पे घुमा करते थे और मुकुट पहना करते थे, सोना पहना करते थे। आजकल उसकी जगह लग्जरी गाड़ी आ गई, हाथी घोड़े पे तो घूमना मुश्किल है और जो मुकुट था उसकी जगह बड़ा पद आ चुका है, बहुत रुपया पैसा धन दौलत आ चुकी है, शोहरत मिलती है, सब कुछ गज केसरी योग देता है, बेहद शुभ माना जाता है। इसमें पहली राशि है धनु राशि। इस राशि वाले जातकों को आर्थिक लाभ होने के प्रबल योग बन रहे हैं, साथ ही यश भी मिलेगा। हर तरह के काम में उन्हें सफलता मिलेगी और रुके हुए काम बनेंगे। यदि पिछले कुछ समय से जरूरी लेन देन करना चाह रहे हैं तो इस समय संभव है। और दूसरी राशि है मीन। लंबे समय से जो परेशानियां आपका साथ नहीं छोड़ रही थी, अब उनका आपकी जिंदगी से विदा होने का वक्त आ गया है। साथ ही आपकी इच्छाएं या सपने पूरे होने के भी योग बन रहे हैं। आपको धन लाभ तो होगा और पैसे से पैसा कमाने का मौके मिलेंगे और आसानी से आप लोगों को अपना बना लेंगे और लोग आपकी तारीफ पे पुल जरूर बनेंगे। कुल मिलाकर गज केसरी योग आपके लिए शुभ और मांगलिक कार्य और घर में स्थायी संपत्ति लेकर आने वाला है। तीसरी राशि है कर्क राशि। चूंकि इस राशि के स्वामी चंद्रमा है और वे ही गुरु के साथ मिलकर गज केसरी योग बनाएंगे, इसलिए कर्क राशि वाले लोगों के लिए योग बेहद शुभ रहेगा। उन्हें अपने कामों का अच्छा फल मिलेगा, आय बढ़ेगी, पैसे से पैसा कमाने का अवसर मिलेंगे, सभी का सहयोग मिलेगा और जीवन में खुशी आएगी। तो धनु मीन और कर्क राशि वाले लोगों के लिए रक्षाबंधन बहुत शुभदायी है और बाकी राशियों के लिए यह रक्षाबंधन अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं कि बाकी राशियों वाले लोगों के लिए क्या गज केसरी योग शुभ नहीं रहेगा। उनके लिए भी शुभ है, अशुभ तो किसी के लिए भी नहीं है, परंतु धनु मीन और कर्क राशि के अलावा जितने भी लोग हैं वो कोशिश करें कि जब 22 तारीख को गज केसरी योग आए तो वो किसी धार्मिक पुस्तक को या जरूरतमंद जो भी बच्चे हैं उनको स्टडी मटेरियल जरूर बांटे, तो इस पुण्य काम से उनका गज केसरी योग एक्टिव हो जाएगा। अब बात करते हैं बहनें भाइयों को राखी बांधते वक्त क्या गलतियां करती है। देखिए, बहनें भाई को राखी सूखे नारियल के साथ बांधती है जो कि गलत है। ऐसी परंपरा है कि राखी बांधते वक्त भाई का हाथ भरा हुआ हो, इसलिए बहनें अपने भाई के हाथ में नारियल रखती है। भाई नारियल पकड़ता है और बहन राखी बांधती है। हाथ भरा होने के पीछे यह कामना रहती है कि भाई के हाथ में सदैव लक्ष्मी बने रहे, इसी कारण उनके हाथ में श्री फल, श्री का मतलब लक्ष्मी अर्थात नारियल का फल रखा जाता है। आप उनके हाथों में केले, मिठाई अथवा सूखे नारियल के गोले न रखें, यह पूर्णतः गलत है, इसीलिए जो पानी वाला नारियल है वो रखना चाहिए। दूसरा, परंपरा यह भी है कि शादीशुदा बहनें जब मायके जाती है तो भाई के लिए नारियल और भाभी के लिए सूखा गोला लाती है जिसे उनकी झोली में डालती है। और पुराने समय में कुछ बहनों ने गलती करते हुए सूखे नारियल के गोले से भाइयों को राखी बांधना शुरू कर दिया, जबकि यह सूखा गोला सिर्फ भाभी के लिए होता है, भाई के हाथ में श्रीफल ही रखा जाता है। तो आइए राखी बांधते वक्त 5 सावधानियां जरूर रखें। पहला, राखी श्रीफल नारियल से ही बंधवानी चाहिए, सूखे गोले से नहीं। दूसरा, नारियल नहीं है तो सिर्फ धन अर्थात कुछ रुपए आपकी जो करेंसी है उसे हाथ में रखकर भी राखी बांध सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ भी नहीं रखना चाहिए। परिस्थिति जन्य अक्षत यानी चावल बिना टूटे हुए साबुत चावल रखे जा सकते हैं। तीसरा, एक ही श्रीफल से पूरे परिवार के लोग राखी बंधवा सकते हैं, इसलिए अलग अलग श्रीफल खरीदना जरूरी नहीं है। चौथा, भाई को बहनों से कुछ लेना नहीं चाहिए। इस मान्यता के अनुसार श्रीफल भी भाई अपने पास नहीं रखते हैं,
सिर्फ हाथ में रखकर राखी बंधवाते हैं और वह श्रीफल बहन का ही हो जाता है बाद में। राखी बांधते वक्त दिशा का विशेष ख्याल रखें। राखी बांधते समय भाई का मुख दक्षिण दिशा में नहीं होना चाहिए, बल्कि पूर्व या उत्तर दिशा में हो तो सबसे बढ़िया है। अब आप इसमें यह पूछेंगे कि जब भाई का जो चेहरा है वो उत्तर की तरफ होगा और बहन सामने से राखी बांधेगी तो बहन का दक्षिण की तरफ सर होगा, वो चल सकता है, चेहरा होगा। वैसे तो आजकल बाजारों में तरह तरह की मिठाइयां उपलब्ध है, लेकिन बहने पहल प्रयास करें या पहले से ये प्रयास करें कि स्वयं मिठाई बनाएं, और अगर मिठाई नहीं बना सकती है तो हलवा तो बना ही सकते हैं, कुछ ना हो तो घर का गुड़ ही ले जाए। अपने हाथों से बनाए मीठा भोग भाइयों के लिए शुभ होता है। इसका मतलब ये नहीं कि सब मिठाई की दुकान वाले अब बैठे के बैठे रह जाएंगे, ऐसा नहीं है। बाकी सब लोग तो मिठाई खाते ही हैं, इसलिए जितना हो सके कोशिश करें कि अब पुराने जमाने को वापस लाया जाए। जब फेस्टिवल से पहले हमारी दादी, हमारी माँ, हमारी नानी हमारे लिए बहुत कुछ बनाया करती थी, 3-4 दिन पहले से ही फेस्टिवल की सुगबुगाहट नजर आती थी, अब वो वापस लाइए, साथ ही आपके प्रेम में भी मिठास बढ़ेगी। इस रक्षाबंधन को दिल से अपने भाइयों की सफलता की प्रार्थना करें और उन्हें आशीर्वाद दें कि जीवन में हर क्षेत्र में आगे बढ़े। इन छोटी छोटी बातों का अगर आप ख्याल रखते हैं तो इस पर्व को और ज्यादा खुशियों भरा बना सकते हैं। मैं उन सभी बहनों और भाइयों को नमस्कार करता हूं और ये कहना चाहता हूं कि आप दोनों इतने अधिक प्रेम से रहें कि माँ बाऊजी को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और हार्ट की तकलीफ आपकी वजह से ना आए। क्योंकि जब बच्चों में एकता नहीं होती, प्रेम नहीं होता है, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, तो माँ बाप अपनी जिंदगी में जो संघर्ष करके इस मुकाम तक पहुंचे हैं, आज वो ये चाहते हैं कि बच्चे एक हो जाएं। और जब बच्चे एक होते हैं तो वो रिलैक्स रहते हैं, वो रिलैक्स रहेंगे तो अपनी जिंदगी को जी पाएंगे, जो जीना उनके लिए अधिकारी है, उनका अधिकार है वो अपनी जिंदगी को जिए। माँ बाबू जी बुजुर्ग हो गए इसका मतलब ये नहीं कि अब उनको परलोक सिधार जाना चाहिए, उनको बुढ़ापे को एंजॉय करना दीजिए। बस छोटे बड़े सेक्रीफाइस, कॉम्प्रोमाइज, एडजस्टमेंट से अगर घर में शांति होती है तो बहुत सस्ता सौदा है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं रक्षाबंधन की, प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।